नदियां अगर साथ बहें तो एक का पानी दूसरे में मिल ही जाता है, लेकिन आज हम आपको दो ऐसी नदियों के बारे में बताने जा रहे हैं जो बहती तो साथ साथ हैं, लेकिन उनका पानी कभी नहीं मिलता। एक की धारा सफेद है तो दूसरी की काली। देखकर आपको जादुई एहसास होगा। इसके पीछे कई तरह की कहानियां हैं जिनके बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे। हम बात कर रहे हैं जॉर्जिया की अरागवी नदी के बारे में। आखिर क्यों दोनों नदियों का पानी एक में नहीं मिलता? हर चीज के पीछे कोई ना कोई कहानी होती है। वैसे ही जॉर्जिया में अरागवी नदी के पीछे भी सदियों पुरानी कई रहस्य हैं, जिसे वैज्ञानिक अभी तक नहीं सुलझा पाए। कुछ तो आपके दिल को छू जाएंगे। वैज्ञानिकों का कहना है कि दोनों पानी का घनत्व और तापमान अलग है, इसीलिए एक पतली दीवार बन जाती है जो पानी को मिश्रित होने से रोकती है। मगर एक कहानी के अनुसार नदियों का पानी ना मिलने के पीछे दो बहनों की प्रेम कहानी है। दोनों नदियां गोरी और श्यामला नाम की बहनें हैं, एक सुनहरे बालों वाली और दूसरी काले बालों वाली। दोनों को एक बहादुर शूरवीर से प्यार हो गया। बाद में उस शख्स ने गोरी बहन को चुना। काले बालों वाली बहन को लगा कि कहीं वह अपनी बहन की खुशी में बाधा ना बन जाए, इसीलिए उसने घाटी से छलांग लगा दी। तब से दोनों साथ बह रही हैं। एक और कहानी मशहूर है। इस इलाके में एक रईस आदमी रहता था। उसकी बेटी का नाम तमर था, जो अपनी सुंदरता के लिए काफी मशहूर थी। उसे लाशा नाम के चरवाहे से प्यार हो गया। लाशा नदी के किनारे उगने वाले घास के मैदानों में अपने झुंड की देखभाल करता था। एक दिन तमर के परिवार वालों ने उसकी शादी तय कर दी। तब उसे पता चला तो उसने लाशा के साथ भागने का फैसला लिया। दोनों जा रहे थे तभी अरागवी में एक अप्रत्याशित तूफान आया, जिसमें नदी उफान पर आ गई। तमर और लाशा की छोटी नाव पलट गई। डूबने से दोनों की मौत हो गई। तभी से दोनों इस तरह बहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि गंगा नदी की तरह इस नदी का पानी भी कई बीमारियों को ठीक कर देता है। चांदनी रातों में पानी एक चमकदार चमक ले लेता है, और जो लोग भी इसमें डुबकी लगाते हैं उन्हें नई ऊर्जा और आंतरिक शांति मिलती है। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।